नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीएसटी निकालना सिखाएंगे। ठीक है, जीएसटी को कैसे निकालते हैं बहुत ही आसान तरीका हम आज सीखने वाले हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये मान लीजिए आप कोई मोबाइल ख़रीद रहे हैं और दुकानदार आपको उस मोबाइल का कीमत बता रहा है 10,000 रुपये। ठीक है, और मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो जिसमें आपको 18% की जीएसटी लगती है। ठीक है, लकड़ी वाले या फर्नीचर या जो भी लकड़ी का सामान होता है उसमें 12% जीएसटी आपको लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान हो उसमें आपको 18% जीएसटी देना होता है। तो मान लीजिए आप मोबाइल का दाम आपको बता रहा है 10,000 रुपये, तो इसका मतलब ये जीएसटी वीएसटी लगा करके आपको 10,000 रुपये। तो एक्चुअल में मोबाइल का दाम कितना है आप जीएसटी चार्ज को वहाँ से हटा करके आप देख सकते हैं। तो देखिए जीएसटी के लिए आपको 10,000 रुपये में कितना रुपये आपको जीएसटी चार्ज जोड़ा गया है आप कैसे निकालेंगे, तो 10,000 का 18% का उसके बाद 18% हमें निकालना है। तो यहाँ 10,000 का 18% लिखिए। अब क्या करना है, 10,000 और का मतलब होता है गुना, 18,000 का 18 लिख देंगे, अब प्रतिशत को हटा देंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 मिलेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये 00 ये 00 काट देना है, 100 का गुना 18 में करेंगे तो कितना आएगा, 1800, 1800। तो 10,000 का 18% कितना आ गया, 1,800 रुपये, यानी कि 1,800 मेरा जीएसटी चार्ज को जोड़ा गया है। अब 10,000 में से 1,008 को घटा लीजिए, 1,800 को कितना बचेगा, यहाँ पे 0 यहाँ 0, एक उधार लेंगे 10 में से 2 गया 8 गया तो 2 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8,200 रुपये। मोबाइल का दाम कितना है, 8,200, जीएसटी चार्ज लगा करके 10,000 बोला गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि मोबाइल का एक्चुअल दाम आपका अगर 12,000 है, सिर्फ मोबाइल का दाम जीएसटी चार्ज इसमें नहीं जोड़ा गया है, अगर मोबाइल का दाम अगर आपको बता रहा है कि 12,000 जीएसटी छोड़ करके, तो इसमें आप जीएसटी लगा करके इसका दाम कितना होगा आप कैसे निकालिएगा। अगर मोबाइल का दाम बता रहा है दुकानदार की जीएसटी छोड़ के इसका 12,000 है, तो देखिए इसका भी सेम करना है आपको, इसमें 18% आपको जीएसटी लगेगा ही लगेगा, तो इसका 18% पहले निकाल लेना है। 12,000 का मतलब होता है गुना 18, याद रखना इस प्रतिशत को हटाइएगा, नीचे 100 लगा देना है बस, ये 00 00 कटा। अब 120 का गुना हम 18 में करेंगे, तो 0 का यहाँ 0 उतार देंगे, 18 × 36 का 6 हासिल 3, 18 × 18 = 3 = 21, 2,160 रुपया कितना मेरा जीएसटी चार्ज निकला, 2,160 रुपया, और एक्स्ट्रा इसमें देना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल का दाम वो बता रहा है 12,000 और ये जीएसटी चार्ज है, तो हमें 12,000 रुपये में 2,160 रुपये को जोड़ना पड़ेगा, 0 6 1 4 1, मोबाइल का टोटल दाम कितना हो जाएगा, 14,160 रुपया। ठीक है, इस प्रकार से जीएसटी को निकाला जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि अच्छे से समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।